गुरु जी, मैं योगाचार्य संदीप रावत जी। और गुरु जी, जैसे कि आपका 50 साल का अनुभव रहा है योग में और आप विदेशों में भी योगा का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, और आजकल जो सोशल मीडिया पे और सर ये काफी वायरल हो रहा है कि नींबू का रस नाक में डालने से और प्याज और सिंधा नमक खाने से सर कोरोना वायरस खत्म हो जाता है, तुरंत रिपोर्ट आ रही है, तो सर आपको क्या लगता है कि आपको 50 साल से ज्यादा का अनुभव है आयुर्वेद में, सर ये आयुर्वेद की बात है, तो गुरु जी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपके अपना? हाँ देखिए, ये वास्तव में अभी मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद के अंदर कोई भी एक दवा सबके लिए कल्याणकारी नहीं होती। नींबू का जो रस है, नींबू जो है कसेला होता है और वो क्लिंजिंग करता है, सफाई करता है, लेकिन मान लिया किसी एक व्यक्ति को उसका लाभ हुआ हो, ये सबके लिए लाभकारी नहीं है। मैं ये तो मानता हूँ कि भाई जैसे कोई भी चीज़ एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, हित भूख मित भूख रित भूख, प्रकृति के अनुसार आप देखिए जिसको कब प्रकृति है, वो व्यक्ति यदि नाक में सरसों का तेल डालेगा, जिसको कफ है वायु है वो डालेगा, तो उसको नुकसान नहीं करेगा, लाभ ही करेगा। क्योंकि हम जब नाक में डालते हैं और ऐसे खींचते हैं और खींच करके फिर मुंह में जो कफ जमा होते हैं बाहर निकाल देते हैं, वो सफाई करता है, अंदर जो है चिकनापन लाएगा, सुगंधी लाएगा, नुकसान नहीं करेगा। ऐसे ही जो अभी प्याज की बात चल रही थी, मैंने भी टीवी में देखा था कि भाई प्याज जो है लाल प्याज, छोटी सी प्याज आप ले लें और उस प्याज को आप काट करके और उसमें सेंधा नमक लग के खाएं, पॉजिटिव एकदम जो है निगेटिव हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता, ये मानता हूँ प्याज बहुत गुणकारी है और गर्मियों के लिए तो अमृत है, वैसे आप रोज खाइए, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन ये कह देना कि भाई एकदम कोरोना जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, ये इसको मैं नहीं मानता। कोई भी चीज़ धीरे धीरे शरीर में रोग पैदा होते हैं और उसको जाने में भी समय लगता है, तो ये लोग कोई जरा सी बात इधर से सुनी या इधर कह दी, उससे हमारा आयुर्वेद भी बदनाम होता है। हाँ, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमने एक यहाँ वृक्ष हैं, जड़ी बूटी हैं यहाँ कई तरह की, उससे एक तेल निर्मित किया है। हमने देखा जिसको अस्थमा भी है और जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो वो व्यक्ति भी उसकी भी नस्य हमने दिया उसको, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर से फेफड़ों से कम 200 ग्राम 250 ग्राम कफ निकला, आंखों से भी पानी निकला, कान भी खुल गए, आंखों की रोशनी बढ़ गई, कान हो गया, ये सारा अद्भुत चीज़ है, ये हमारी ऋषियों की चीज़ें हैं। तो मैंने देखा वो मरीज जो बेचारा ऑपरेशन और दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए परेशान था, वो बिल्कुल उससे ठीक हो गया है। ऐसे ही आज जो ये कोरोना में भी लोग मर रहे हैं, आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लें और उसकी बात सुने, समझाएगा, देखेगा, आपकी नाड़ी देखेगा, आपकी प्रकृति देखेगा, आपको जो सुझाव दे उसको मानिए। धन्यवाद।